स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नेम विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। प्रीवियस वी हैव स्टडीड अबाउट एक्टिविटी 5 विच इज एबो एंड फाइनली कंक्लूड दैट एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ओके नाउ वी हैव स्टार्ट एक्टिविटी 6 टू शो दैट वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। मीन्स वार्म एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है। वही प्रोसेस अगेन। तो इसके लिए एक प्रोसेस लिए, टेक टू पेपर पैक्स एंड हैंग देम इन्वर्टेड ऑन टू द एंड्स ऑफ वुडन स्टिक। टेक अ टू पेपर बैग्स एंड हैंग देम इन्वर्टेड ऑन टू द एंड ऑफ वुडन स्टिक। एक वुडन स्टिक है, उसमें दो पेपर की बैग ली हुई है और उसको वहां से पकड़ के रखा है और लटका के रखा है, हैंग। सेकंड, टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन अ मिडल ऑफ वुडन स्टिक। वुडन स्टिक के बीच में दोनों को किससे, वुडन स्टिक को मिडल से एक थ्रेड से बांधा हुआ है। होल्ड द वुडन स्टिक बाय थ्रेड लाइक बैलेंस। और वो जो थ्रेड था उससे वुडन जो स्टिक थी आपकी, उस स्टिक को ऐसे पकड़ के रखो जैसे कि वो बैलेंस रहे। नाउ पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। उसके बाद क्या करो, ये जो दो बैग थे, पहले दोनों बैग को एक थ्रेड से लटकाया हुआ है, ऊपर एक स्टिक दिखाई हुई है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, जो दो बैग है ना, दो बैग, उसमें से एक बैग में, दो जो बैग है उसमें से एक बैग के नीचे बर्निंग कैंडल लाओ। और ये करते टाइम आप थोड़ा सा केयरफुल रहो, क्योंकि ये बर्निंग है इसलिए। तो उससे हमको क्या पता चलता है, तो हॉट एयर, क्योंकि यहाँ पे हॉट हो गया, ये कैंडल जल रही है, तो ये पूरा हॉट, तो ये जो हॉट एयर वाली जो बैग थी वो ऊपर चली जाएगी। तो हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन, द बैलेंस ऑफ द स्टिक गेट्स डिस्टर्बेड। अब जो हमने थ्रेड को पकड़ के रखा था बीच में से, और दोनों बैग जो बैलेंस थी वो अब क्या हो गए, डिस्टर्ब, बिकॉज द बैग बिलो विच द बर्निंग कैंडल इज प्लेस राइज अप। मीन्स जो पहले जो बैलेंस था वो, उसके नीचे हम जो बर्निंग कैंडल लाए, तो बर्निंग कैंडल लाने से जो प्लास्टिक की जो बैग थी वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो कंक्लूजन क्या पता चला इसे, एज एयर इनसाइड द बैग अबू द कैंडल गेट हीटेड इज राइज। मीन्स जब बैग के अंदर वाली जो एयर जो थी वो गर्म हो रही है कैंडल से, तो बैग राइज, मीन्स बैग ऊपर जा रही है। दिस एक्टिविटी शोज दैट वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। क्योंकि देखो आगे यहाँ पे वार्म एयर कब वार्म की हुई, क्योंकि यहाँ पे कैंडल, नीचे कैंडल जलाई तो अंदर जो एयर थी वो अब वार्म हो गई, और यहाँ पे तो जो पहले की जैसे जो कोल्ड थी वो कोल्ड ही, तो जो वार्म एयर हुई, वार्म एयर अगर लाइटर होगी, कोई भी चीज़ लाइटर होगी तो ही हवा में उड़ेगी। तो यही दिखाया है कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक बैग है, यहाँ पे क्या, कौन सी एयर है, वार्म एयर है। तो इसी के कारण जो बैलेंस जो हमने बीच में से पकड़ के रखा था वो बैलेंस नहीं रहता, और ये जो है वो ऊपर चली जाएगी, और प्लास्टिक बैग दूसरी दिखाई हुई है वो यहाँ पे ऐसे की ऐसी रहती है और ये ऊपर चली जाती है। अब इस टॉपिक के रिलेटेड दो MCQs दिए हुए हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि ये नीचे के जो हमको एग्जांपल्स या नीचे के जो 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 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट, एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग। अभी तो बताया, जैसे जैसे किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो एयर जो है वो एक्सपांड होती जाएगी। ये है आपका एक्टिविटी नंबर 5, एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग लिखा है ना, तो ये फर्स्ट वाला कौन सा हो गया आपका 2। सेकंड, वार्म एयर टेक लेस स्पेस देन कोल्ड एयर। देखो वार्म एयर अगर लेस स्पेस लेती होगी तो ऊपर ही नहीं, ऊपर जाएगी ही नहीं जाएगी, वो ज़्यादा स्पेस लेती है इसलिए ऊपर जाती है। तो ये कैसा हो गया आपका, वार्म एयर टेक लेस स्पेस देन कोल्ड एयर, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स। कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर। कोल्ड एयर क्या बोला है, कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर। अब इसमें क्या बताया है कि वार्म एयर लाइटर है कोल्ड एयर से, तो कोल्ड एयर वार्म एयर से हैवियर हो गई, तो यही पूछा है आपको इसमें।
तो कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म एयर, वो क्या होगा ट्रू। मॉनसून विंड्स आर कॉज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये ट्रू ही हो गया क्योंकि मॉनसून में कभी भी फिक्स नहीं रहता कि विंड का प्रेशर कैसा रहता है, तो उसके कारण क्या रहता है कि जो हीटिंग भी होता है वो भी अनइवन हो जाती है, मीन्स ऑकवर्ड, जो आप क्लियर नहीं कर सकते वैसा। ओके, फिर उसके नीचे एक एमसीक्यू दिया हुआ है, एटमोसफियर प्रेशर डिपेंड ऑन विच ऑफ द दिस फैक्टर, तो टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव, सब में रहता है। ओके, सब में रहता है। फिर नीचे एक एमसीक्यू दिया हुआ है, फोर ग्लास ऑफ बॉटल आर कैप इन फोर वेसल, फर्स्ट इज फिल विद आइस, सेकंड फिल विद कोल्ड वाटर, सेकंड विद बॉइलिंग वाटर, फोर्थ इज रूम टेम्परेचर। तो द बलून इज फिक्स्ड ऑन द माउथ ईच ऑफ द ग्लास बॉटल्स, इन विच ऑफ द बलून विल इन्फ्लेट, तो यहाँ पे देखो कल बोला था हमने कि इन्फ्लेट कब होगी, जब वहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब रहेगा तब हॉट वाटर से। तो इसमें क्या आएगा, थर्ड गेस, क्योंकि थर्ड गेस में क्या है, क्योंकि थर्ड गेस में क्या है, बॉइलिंग वाटर है। ओके, तो इसमें आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला, मीन्स सी, थर्ड केस।